तो काशी की महिमा जो है वैदिक महिमा है, वेदों में इसका जिक्र हुआ है। तो करीब 12-13 हज़ार साल का इतिहास है काशी का, और जबकि इतनी पुरानी सभ्यता अगर काशी में है तो जाहिर है कि संगीत भी उतना ही पुराना होगा। यहाँ पे बाबा विश्वनाथ की नगरी में संगीत अपने पूरे यौवन में फैला, और वो इसलिए फैला कि इसकी सौंदर्य को देखते हुए सारे घराने के लोग, पूरे भारत के लोग इसके तरफ आकर्षित हुए, एक संस्कृति की रक्षा की और संस्कृति को बढ़ाया। तो हमारे हिसाब से काशी की जो संगीत परंपरा है, भारतीय संगीत परंपरा है, वो पूरे विश्व में सबसे पुरानी है ये। और बनारस ही एकमात्र ऐसा घराना है जहाँ पे ध्रुपद, धमार, छंद, प्रबंध, निबंध, गान से लेके टप्पा, ठुमरी, ख्याल, कजरी, टपख्याल, टप तराना, इतनी बड़ी परंपरा रही है। तो ये एकमात्र ऐसा घराना है जिसमें गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों का घराना इतना प्राचीन रहा है। यहाँ नृत्यकार भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं, वादक कलाकार बहुत बड़े बड़े हुए हैं, गायक कलाकार बहुत बड़े बड़े हुए हैं। हमारे गुरुजी पंडित बड़े रामदास जी के जो ससुर साहब थे, पंडित जयकरण मिश्र, उन्होंने उस जमाने में 10,000 ध्रुपद की रचना करी थी। और लोगों को भ्रांति ये है कि बनारस में सिर्फ ठुमरी और दादरे का प्रचलन रहा है, ख्याल और ध्रुपद का नहीं रहा। ये एक भ्रांत धारणा है, किसी को भी उसकी खोज अगर करनी है तो इतिहास को खोजना होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके प्रूफ हैं, उसको देखना होगा कि बनारस की सांगीतिक परंपरा कितनी पुरानी है, और उसको देखने के बाद ही कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोग उसको खोजते नहीं हैं और स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन हमें इस बात का बहुत गौरव है कि हम लोग बनारस में पैदा हुए और एक संगीत परिवार में पैदा हुए, और बनारस के बच्चों से लेके बड़ों तक का आशीर्वाद और उनका प्यार हम लोगों को मिला और अभी तक मिल रहा है। इसका हमें बहुत गौरव है, और हम बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम पैदा हों तो बनारस में ही पैदा हों। देखिए, बनारस घराने की बड़ी बड़ी रचनाएँ हैं, और बनारस घराने की रचनाओं में कविता को बहुत ध्यान से बनाया गया, पोएट्री जो है उसका तुक मिलना चाहिए। एक रचना मैं सुना देता हूँ आपको। रचना में राधा शब्द आया है, तो उसमें राधा से मिलता जुलता कौन सा शब्द होगा उसका ध्यान रख के बनाया गया है। ऐसो नवल लाडली राधा, संग निरतत लपट झपटी कांधा, झूले हिंडोला बगियन बगियन, सखियन सब मिल नाचत गावत, संग नट वर पद लागे ताधा, ऐसो नवल लाडली राधा। तो ये एक कंप्लीट पोएट्री हुई। तो इस तरह की पोएट्री की बंदिशें आपको बनारस घराने में बहुत हजारों मिलेगी, जिसमें साहित्य का ध्यान देके बनाया गया है। ऐसो नवल लाडली राधा, ऐसो नवल लाडली राधा, संग निरतत लपटी झपटी कांधा, ऐसो नवल लाडली राधा, झूले हिंडोला बगियन बगियन, सखियन सब मिलना चत गावत,
संगा नडवर पर लागे ताधा सोनवल लाडली राधा। देखिए आज हमारे हिंदुस्तान में इतना टैलेंट है हर क्षेत्र में, संगीत में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जब सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आता है तो संगीत भी उससे अछूता नहीं रहता है। आज कल्चर, जो कंज्यूमर कल्चर का विकास हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि इंस्टेंट कल्चर आ रहा है। इंस्टेंट हमें खाना चाहिए, इंस्टेंट हमें नाम करना चाहिए, इंस्टेंट हमें स्टेज चाहिए, लेकिन जो प्राकृतिक नियम है वहाँ इंस्टेंट की व्यवस्था नहीं है। वहाँ ये व्यवस्था है कि जो जिस रफ्तार में तुमको जाना है, खोज करके, स्ट्रगल करके तब वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ पे कोई जल्दी का बात नहीं है, वो अपने कोर्स में चलता है प्रकृति, और उसी कोर्स से सीखा जा सकता है। एक साल में कोई कलाकार नहीं बनता है, बरसों बरसों की तपस्या करनी होती है। आज के कलाकारों को, जो नए कलाकार आ रहे हैं, उनसे हम सिर्फ इतना निवेदन करना चाहेंगे कि अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, अपने बड़े कलाकारों से सीखने की अभिलाषा जागृत करें। दो चार बंदिश जानने से नहीं होता है, जब सैकड़ों बंदिश और सैकड़ों राग का जब जानकारी अंदर होता है तभी वो आदमी सस्टेन कर पाता है अपने लाइफ में। पुराने ज़माने के जो संगीतकार हुए हैं, जिन्होंने 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 साल वो संगीत जगत में छाए रहे, तो उसके पीछे कुछ कारण रहा। कारण ये था कि उनकी तालीम इतनी पोख्ता थी, इतना मटेरियल था उनके पास कि वो 70 साल तक जमे रहे। और अभी जैसे कुछ कलाकार हैं, पंडित रविशंकर जी जैसे हैं, गुजरने के पहले तक बजाते थे। हमारे पिताजी 86 साल की उम्र में गुजरे हैं और गुजरने के पहले तक संगीत करते थे। पंडित किशन महाराज जी, पंडित शामता प्रसाद जी, ये तभी पॉसिबल है जब शिष्य गुरु की सेवा में रहे और गुरु के चरणों का ध्यान रखे और गुरु से जितना शिक्षा मिल सके उतना ले, तभी वो इतने साल तक संगीत जगत पे राज कर सकता है या संगीत जगत पे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि आज हमें ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं इसमें, वो प्रिटेंड कर रहे हैं झुकने का जो प्रिटेंशन है वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप झुकना नहीं चाहते किसी के सामने तो मत झुकिए, वो ठीक बात है, लेकिन आप झुकना नहीं भी चाहते हैं और फिर भी झुक रहे हैं, तो उस झुकने से आपको जो आशीर्वाद मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। अगर झुकने का मन है तो झुकिए, क्योंकि जहाँ भी आप झुकेंगे वहाँ से आपको मिलेगा। आप पेड़ के सामने झुक जाइए, पेड़ सिखा देगा। आप नदी के सामने झुक जाइए, नदी सिखा देगा। प्रकृति रोज सिखा रही है। एक फूल खिलता है, उसको गौर से अगर आप देखेंगे तो वो फूल सिखाता है कि जीवंत चीज़ क्या है। मेरा नियति यह है कि सुबह खिलूँगा, शाम को मुरझा जाऊँगा। सूरज के साथ हमारी व्यवस्था है, वो सूरज के साथ अपने को बांधा हुआ है, प्रकृति ने उसको बांधा है, और हर चीज़ प्रकृति का सिखा रही है। एक पेड़ में इतने सारे ब्रांचेज आपको दिखते हैं, अब अगर सब ब्रांच ये कहे कि मैं अलग हूँ, कैसे हो सकता है? सब जड़ से जुड़े हुए हैं, खाना पीना जो है उनको जड़ से मिल रहा है। तो हम अपनी जड़ों को नहीं भूलें, अपनी संस्कृति को नहीं भूलें, अपनी विनम्रता को नहीं भूलें, श्रद्धा को नहीं भूलें, बड़ों का इज्जत करना नहीं छोड़ें, तो जो हमें मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। यही हम नए कलाकारों से कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति जो है भारत की, वो पूरे विश्व में सबसे अनूठी और सबसे पुरानी है।
और उस संस्कृति को धरोहर बना के हमें पूरे विश्व में भारत का नाम वैसे ही रोशन करना है, यही हमारा संदेश है।